लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में अगर बात कर ले राजनीति की तो राजनीति चौक चौराहे और चाय की दुकान पर हुआ करती है, क्योंकि सांसद किसको चुनना है, कौन होंगे सांसद, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, चाय की दुकान पर चुस्की लगाते हुए लोग लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश न्यूज पे इस खास कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे हुए हैं जो चुनावी चर्चा है उसको लेकर। हम सीधे तौर पे जो कुछ लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चाय की चुस्की बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जिस चाय की दुकान पर जहाँ भी जाइए, चाय दुकान पर बिना चाय पिए हुए आप नहीं जा सकते हैं, मन मान ही नहीं सकता है। तो चाय की चुस्की लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि सिवान लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, पहले किस तरह यहाँ पर लोग काबिज हुआ करते थे, पहले कैसे लोग कब्जा किया करते थे, उन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अगर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले साल भी एनडीए के खाते में थी और इस बार भी एनडीए में ही है। हालांकि बीच की कुछ जो समय था वो बिहार का स्थिति डगमाडोल था सरकार का, लेकिन अब अगर इधर की बात करें तो एनडीए में था। लेकिन उससे पहले की बात कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में था सिवान, और उससे और पहले की बात कर ले तो कांग्रेस का हुआ करता था कभी सिवान लोकसभा, फिर बीच के दौर में बीजेपी के हाथ में आया, निर्दलीय हुआ। तो ये लगातार दौर चलता रहा है और अब जो है सिवान एनडीए के खाते में है। अभी वर्तमान में जो सिवान की जो सांसद हैं वो कविता सिंह हैं। हम सीधे तौर पे जान लेते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं चाय की चुस्की के साथ। जनता से बात करेंगे कि चाय की चुस्की लेते हुए, क्योंकि राजनीति वहीं से शुरू होती है, चाय की दुकान से। चाय दुकान पे अब चर्चा ये भी शुरू हो गया है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बनेगा, प्रधानमंत्री किसे पसंद करेंगे, और प्रधानमंत्री पसंद करने से पहले कि सिवान लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा में सांसद कौन होंगे, किसको बनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं, जनता से कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मुकेश कुमार। क्या मूड है? मूड कुछ लग रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, कुछ दिन बाद सूचना जारी हुई, ऐसे में क्या मन में क्या चल रहा है? मन में बहुत कुछ चल रहा है। कैसा होना चाहिए नेता हमारा, किस तरह का होना चाहिए? अब ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, खोजते रहिए, भेटाएगा नहीं। अभी तक सिवान का सांसद तो यही है, खोजते रहिए कहीं जाकर, कभी पटना जाइए, कभी नंदा मुंडा जाइए, कभी कहीं जाइए, भेंट नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ठीक है, खोजते रहिए, वो तो ठीक है, वो महिला है, लेकिन कैसा होना चाहिए, किस तरह का विचार बनना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, ये सब चीज़? तो विकास पर चुनाव क्या होता है बिहार में? विकास पर चुनाव बिहार में नहीं होता है भैया, विकास से बाहर की बात होती है। यहाँ पे जात पर चुनाव होगी और सब के वगैरह वगैरह पर चुनाव है। विकास विकास तो होना चाहिए कि विकास दिखाई दे। अभी तरह के देखिए, किसी भी रोड का हालत देख लीजिए, सांसद का एक बोर्ड दिखाई आपको नहीं देगा, विधायक का एक बोर्ड दिखाई नहीं देगा। शहर का जो स्थिति है, शहर क्या बोलते हैं, जिला का मुख्यालय है, यहाँ पे जिस तरह का विकास होना चाहिए तो ना, जीरो है। ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है, आप शहर मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि लोकसभा सीट तो लंबा चौड़ा सीट है, जगह है, फैला है क्षेत्र इसका, तो इसमें बाकी जगह पे क्या स्थिति है? अरे बाकी जो सूर्य बता रहे हैं कि जैसे अगर घर का गार्जियन हो गए तो पूरे घर को नहीं देखेंगे, जरूरी नहीं है कि हम ग्रामीण को देखेंगे या शहर को नहीं देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग शहर में आते हैं, हम लोग तो शहर में है, ये तो यहाँ पे नहीं है, लोग करना चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो हुआ तो नहीं है, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। देखिए, ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ बोलती है, पब्लिक जो बोलती है आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर की बातें बोल रही है, क्योंकि पब्लिक के नज़र में सब कुछ जायज होता है। हम एक और शख्स हैं, जरा इनसे बात कर लेते कि कैसा नेता हम लोग खोज रहे हैं, किस तरह का जो सांसद होना चाहिए हमारा, वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का सांसद हमारा होना चाहिए? देखिए, अगर सांसदों की बात की जाए तो कविता सिंह तो नगण्य है, सीधी बात है,
और विकास के मामले में अगर बात की जाए तो शहाबुद्दीन के आगे कोई नहीं, तो वो समय नहीं, ठीक है, लेकिन हमें वैसा सांसद चाहिए जो विकास के साथ साथ पूरे ज़िले में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके और मुखर हो, पब्लिक की बात जो रखने में एकदम पूरी तरह से मुखर हो, आपकी बात वो रख सके बढ़िया से। जी, विकास आप खोजते हैं किस तरह का विकास खोजते हैं? विकास आमतौर पर अगर कही जाए तो यहाँ कोई पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इसको सुटेबल रूप से करना चाहिए, कहीं माने एक जगह किसी भी चीज़ का मंडी नहीं है, या आप देखे होंगे कि शहर के अगर पश्चिमी छोर पर चले जाइए तो वहाँ एकदम रोड पर ही अतिक्रमण हुआ रहता है और सब्जी का बाज़ार लगा रहता है, लोग जाएं तो कहाँ जाएं, जाम लगभग दो दो तीन तीन घंटे तक लगी रहती है, इससे भी लोगों को परेशानी है। आखिर कब इसका स्थायी निदान होगा, कौन करेगा, अभी ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। देखिए मेरे साथ एक नेताजी भी हैं यहाँ, क्योंकि चाय की चुस्की लगाने के लिए एक नेताजी भी पहुँच चुके हैं, और इन नेताजी से भी जानेंगे कि आखिर मूड क्या है। 2024 चुनाव नज़दीक है, अब कुछ दिनों बाद अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, महज कुछ दिन बाद, और ऐसे में अब मूड क्या है, किधर दिल दिमाग घूम रहा है, थोड़ा नेताजी से भी जान लेते हैं। नेताजी, लोकसभा चुनाव बस अब कुछ दिन बाद यहाँ आ जाइए, हमें लगता है कि सप्ताह भर 10 दिन के अंदर सूचना जारी हो जाएगी, ऐसे में क्या लग रहा है मूड, क्योंकि आप लोग बहुत जगह घूम रहे हैं, जनता का मूड क्या लग रहा है? जनता का मूड लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को जिताना है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, यानी फिर से नरेंद्र मोदी, एकदम नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा आ रहे हैं और 400 के आंकड़ा लेकर के आ रहे हैं, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता बेसब्री से इस चुनाव का इंतजार कर रही है, और आने वाला समय में एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उन्हें, सिवान का सांसद मेरा कैसा होना चाहिए? सिवान के सांसद किसी भी पार्टी के हो और चाहे वो किसी दल का हो, सिवान का विकास होना चाहिए। हम लोग एक सिवानवासी, राजनीतिक दल बाद में है, पहले हम सिवानवासी है, सिवान के नागरिक हैं, कोई भी राजनीतिक दल से जीत के जाते हैं, सिवान के सांसद हैं, उनको सिवान का विकास करना चाहिए। जो अनेक समस्याएं हैं, सिसवन ढाला पे जाम लगा रहता है, कचहरी ढाला पर, सांसद के एक बहुत बड़ा शक्ति होता है कि लोकतंत्र के मंदिर में रख करके और जनता को जो कष्ट है, जनता के जो समस्या है, उसका निदान करें। सिवान की बहुत सारी ट्रेन है जो सिवान में अभी आपको डायरेक्ट कोई दिल्ली का, जो अन्य प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं सिवान से, वो हम जो भारत सरकार की रेल मंत्रालय है, और कोई भी सांसद बने वो कम से कम सिवान से डायरेक्ट जो समस्याएं हैं उसको डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन दिलवाएं दिल्ली मुंबई अन्य प्रदेशों में जाने के लिए, और सांसद से ही कहेंगे जो भी बने वो सिवान के विकास पे ध्यान दें। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए ये नेताजी कह रहे हैं साफ तौर पे, ये महादेव पासवान जी हैं, और ये साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो भी सांसद बने वो सिवान का पहले विकास करे, और उन्होंने प्रधानमंत्री के बात पे कहा कि इस बार भी एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी और फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 का आंकड़ा पार हो सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि हमारे सिवान का जो सांसद है वो कैसा होना चाहिए, 2024 में किस तरह के हमारे सांसद होने चाहिए, क्या कुछ विकास होना चाहिए और क्या कुछ सिवान में बच गया है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच फिर पहुंचते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139 पर, जियो फाइबर के चैनल नंबर 1139, सिटी मौर्य के चैनल नंबर 229, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो टीवी ऐप, ईवावा एंटरटेनमेंट, डेली हंट, लाइमेक्स वर्ल्ड टीवी, शिमारो टीवी, जेंगा टीवी, I2I लाइव, प्लेबॉक्स टीवी, सॉलिड टीवी, वीवो टीवी, अमेजन फायर टीवी और कशिश न्यूज के अपने ऐप पर भी देखिए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में
किस तरह जनता का मूड है, जनता क्या सोच रही है, और इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं। चाय की चुस्की जनता ले रही है, और जब चाय की दुकान पर दो चार दस लोग जब चाय की चुस्की लेने पहुंचते हैं तो राजनीति की बात होने लगती है, विकास की बात होने लगती है, शिक्षा की बात होने लगती है, स्वास्थ्य की बात होने लगती है, सड़क की बात होने लगती है कि राजनीति में कैसे कैसे विकास होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए चाय की दुकान पर चर्चा होती है। जनता सब जानती है, जनता जानकर भी आज के समय में अनबूझ बनी रहती है, लेकिन जब 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो जनता अपना अधिकार जो है चुनाव के माध्यम से दिखा देती है कि कौन क्या है। अपने वोट के माध्यम से वो बता देती है कि आखिर जनता में है कितनी ताकत। हालांकि जनता जो सोच के जिसको भी बनाती है कमोबेश वो पूरा होता है, कुछ लोगों को पूरा नहीं भी होता है। हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से सीधे बात करते हैं कि आखिर हमें कैसा नेता चाहिए। 2024 का चुनाव नज़दीक है, अब आने वाला है, और ऐसे में किस तरह का हमें सांसद चाहिए सीवान का। हम सीधे तौर पे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं जी, हमारा नेता सबसे पहले विकास वाला होना चाहिए, और हम लोग हिना मैडम के साथ हैं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा यहाँ बेहतर होना चाहिए, जो आम पब्लिक का सबसे बड़ा चीज़ है। एक घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है, पूरा जमा पूंजी खत्म हो जाता है, उस पर ये सरकार विफल है, यहाँ के सांसद विफल है। चिकित्सा का आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, जिसको पढ़ाने नहीं आता वो भी टीचर उन मिलने वाला टीचर बना हुआ है, तो उस पर उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोट करेंगे। ठीक है, वोट देंगे। अब तक जितना आकलन आपने देखा है, सीवान में बहुत सारे लोग सांसद बने, कभी सीवान कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, आरजेडी का गढ़ बना, फिर अब एनडीए का हुआ, सांसद भी परिवर्तन होते रहे, आज की डेट में एनडीए का सांसद है, क्या लग रहा है विकास हुआ है? मेरे नजर में तो विकास नहीं हुआ, आपको कहीं दिखे तो हम तो 15 साल से यहाँ विकास नहीं देख रहे हैं। हम लोग कैसा विकास खोज रहे हैं? चिकित्सा में बेहतर होना चाहिए, डॉक्टरों का मनमानी फीस, 5 जांच, इस सब पे रोक लगना चाहिए। आज एक आम पब्लिक जांच एक बुखार सर्दी खांसी होता दिखाने जाता है, उसको 5 जांच लिखा जाता है, एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 2000 रुपये जांच का। ये तो एक समय था, नाम नहीं लेंगे, जी जी, एक समय था कि डॉक्टर का फीस कम हो 50 रुपये हुआ करता था, वो समय में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, 19 समय राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज है, दयानंद मेडिकल कॉलेज है, आप देखिए, उसके बाद आप देख लीजिए कुछ नहीं है। बिल्कुल थे हमारे, आपके कहने थोड़ी अटल जी के बाद दूसरे नंबर पे थे वो, ये हमारे कहने की बात नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता था कि वो विकास पुरुष थे। बिल्कुल आपने सुना कि देखिए जनता ये युवा है, और सबसे बड़ी चीज है कि युवा जब बोलते हैं जो बोलते हैं वो करते भी हैं। युवा अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज का समय युवाओं का आने वाला है, और युवा हर जगह पर काबिज होना चाहते हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। विकास की बात करें तो विकास की जिस तरह इन्होंने एक बात कही कि एक समय था कि सीवान में एकता इंदौर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, जितने भी खेल कूद के चीज़ हैं वो देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, नगर टाउन हॉल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी समय उसी ज़माने की हुई है, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के सांसद थे उनके द्वारा कराया गया है, यानी विकास उसी समय हुआ है। अब वर्तमान में क्या विकास है उन सब की चर्चा कर रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद हम लोग का जिला का अच्छा होना चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, हम लोग को युवा आगे बढ़े, हॉस्पिटल विधि व्यवस्था सब अच्छा होना चाहिए, यही सब और क्या। अच्छा, बस यही सब, बिजली व्यवस्था अगर सब सही हो जाए, ऐसे में सारा चीज़ मान लीजिए सब कुछ सही हो जाए, तो उसके बाद भी क्या विकास बचता है? विकास जो हुआ है उसका तो कुछ आज तक हुआ ही नहीं आज तक, जितना सा हमारे डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब करा के गए, उसके बाद तो कुछ, उसके बाद तो शिलान्यास का ईटा नहीं रखाया है कहीं भी, कुछ नहीं हो पाया है। जो करा के गए बस वही है, वो जर्जर हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, उसका ही मरम्मत नहीं हो पा रहा है, तो यही सब कमी दिख रहा है हम लोग अपने जिले में, और जो करके गए उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग कभी भी हिना साहब के साथ हैं,
देखिए बिल्कुल, देखिए जो विकास करके मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब गए उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं, और कहे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो चीज़ सामने दिख रहा है। जिस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के लिए विकास किया और विकास जब छोड़ के गए, उस विकास को वहीं पर विराम लगा दिया गया। हम कुछ दिन पहले एक खबर एक दिखाए थे आपको राजेंद्र स्टेडियम की, राजेंद्र स्टेडियम का भी यही हाल है। उस राजेंद्र स्टेडियम पर प्रशासन और सरकार का ग्रहण लग चुका है, क्योंकि वो इस पेच में फंस के रह गया है कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनवाया गया है और ये पेच उस राजेंद्र स्टेडियम पे फंसा हुआ है। कई तरह के जो अदालती मामले हैं उस पर चल रहे हैं और उसी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन अभी बाध्य नहीं है विकास करने को लेकर। बहरहाल मामला उस राजेंद्र स्टेडियम के विकास का हो, लेकिन बात हम कर रहे हैं सिवान का, हमारा जो लोकसभा सीट है वो, उसके नेता हमारे कैसे होने चाहिए, इन बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। क्या कैसा हमारा नेता होना? हमारा नेता साफ स्वच्छ वाला आदमी, ना वजह से ठीक बना, ना शाहबुद्दीन ठीक रोलन, ना का नाम ओम प्रकाश क्यों ठीक नहीं है। हमारा चाहिए भाई सिवान में हमारे इंजीनियरिंग के का नाम और सूता फैक्ट्री खुलवा दे, पचरुखी शुगर मिल खुलवा दे, रेनुआ शुगर मिल खुलवा दे, ये सब खुलवा दे, वो आदमी के नेता बढ़िया माना। हाँ हाँ, उसको खुलवा दीजिए, किसी के पास पावर नहीं है, ना पीछे ना आगे, सब फेल है, सब कोई फेल है। देखिए ये बड़ी बात कहे हैं, देखिए ये पब्लिक है, ये उद्योग की बात किसी ने नहीं किया। आम पब्लिक में अगर बात कर ले तो आम पब्लिक को आज भी जहन है कि वो सूता मिल, जिस सूता मिल की इन्होंने चर्चा की, वो सीता मिल निस्ते नाबूद हो चुका है, शुगर मिल निस्ते नाबूद हो चुका है, और उस सारे उद्योग धंधे को निस्ते नाबूद होने के बाद इन्होंने आज कहा कि उसे खोल देना चाहिए। और ये सब कह रहे हैं कि हमारे लिए जो वर्तमान, जो न्यू वर्तमान से लेकर सारे जो भी लोग बने हुए हैं, जो सांसद बने हैं, वो विकास नहीं किए हैं और हमें साफ छवि वाले और उद्योग धंधे रोजगार वाले नेता चाहिए जो इस सिवान का सोच सके, सिवान के गरीबों का सोच सके। साफ तौर पे ये लोगों का कहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे, फिर इन्हीं चाय दुकान पर लोगों से बात करेंगे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव जो आने वाला है और चाय दुकान पर पहुंचे हैं। इस चाय दुकान पे हम चाय दुकान के बारे में बता दें कि ये ऐसा चाय दुकान है, ये भोला जी का चाय दुकान है और इस भोला जी के चाय दुकान पर सुबह से लेकर, सुबह अगर 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अगर बात करें, यहाँ पर एक जमवाड़ा लगा रहता है। यानी कि ये ऐसा जमवाड़ा होता है, यहाँ राजनीति का अड्डा भी है, हर तरह के राजनीति होते हैं यहाँ पे। लोग आते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, कुछ राजनीतिक बात करेंगे, कुछ केस मुकदमे की बात करेंगे, कुछ कलेक्ट्रेट में, जो बगल में कलेक्ट्रेट है वहाँ पे कैसे काम, कौन अधिकारी नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चाएँ होती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए चाय की चुस्की, ये युवा जो है चाय की चुस्की ले रहे हैं और इन युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि सीधा लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये लोग कैसा नेता चाहते हैं, किस तरह का हमारा नेता होना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए। हम सीधे तौर पे युवाओं से जानते हैं, क्योंकि युवाओं आज के समय में, युवा जो है वो देश के भविष्य हैं और इन्हीं भविष्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह का अपना जो देश का भविष्य है वो कहाँ ले जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कैसे नेता के साथ जाएंगे। सीधे तौर पर इनसे जान लेते हैं, इनका समर्थन कहाँ है ये जान लेते हैं। हमारा सांसद वैसा ही होना चाहिए जो स्वच्छ राजनीति करें, प्लस अपने एरिया का बहुत डेवलपमेंट करें, यहाँ के जो युवा लोग हैं उनके समस्याओं को निपटारा करें और जो हमारे शहर की जो भी दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतों को दूरी करें और प्लस सभी युवाओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें, यानी कि पूरा समाज है उसको लेकर चलने की कोशिश करें।
किसी को बांटे नहीं, सबको एक साथ लेके चले, सबको अपना समझे, सबको मिलाकर चले, तभी किसी भी एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। हम सीधे तौर पे एक और शख्स है, जरा इसे जान लेते हैं। ये बताइए कि चाय की चुस्की तो आप ले रहे हैं जी, चाय का मजा जिस तरह आप लेते हैं, उसी तरह अगर अपने संसदीय क्षेत्र के मजा की बात करें तो क्या आप पूरे जगह घूमते हैं, क्या लग रहा है विकास? लग रहा है 400 पार जाए चला जाएगा, 400 पार चला जाएगा जी। क्या फिर मोदी जी 400 के पार है, ईवीएम को दाब दिया है? दाब नहीं दिया है, दिख रहा है कि 400 के पार चला जाएगा। इसके पक्ष में है? मोदी जी के पक्ष में। सिवान का सांसद मेरा कैसा होना चाहिए? सिवान का सांसद अच्छा होना चाहिए, काम करे और सिवान में धरातल दिखे, विकास दिखे। देखिए सिवान का सांसद कैसा होना चाहिए, मुद्दा यही है और इसी बात को लेकर हम इस चाय की दुकान पर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो चाय दुकानदार हैं भोला जी, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि चाय का जो मज़ा है, चाय तो बेच रहे हैं लेकिन राजनीति का मज़ा कितना है, क्योंकि चाय की दुकान पे, इनके चाय की दुकान पे भोला जी की अगर खास बात कर लें तो भोला जी के चाय दुकान पर बहुत चर्चाएँ होती है। भोला जी, आपके चाय दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, हर दल के लोग आते हैं। चर्चा तो शुरू हो गया है अब, क्या लग रहा है? चर्चा शुरू हो गया है, लोगों का तो मन में है कि कोई भी हमारे मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री नहीं, हम सांसद की बात कर रहे हैं, सांसद की, तो कोई भी सांसद जी आए, विकास पुरुष, अब विकास करें ये अच्छी बात है, जो बढ़िया काम करेंगे सांसद साहब उनके साथ हम लोग भी जुटे रहेंगे, यानी जो अच्छा काम करेंगे, जो विकास का काम करेंगे आप है उनके साथ? हाँ, उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है अब तक? अब तक तो ऐसा कोई सांसद जी अभी तो भेटाए, मुलाकात तो हुआ नहीं है, अब दो दो सांसद बन चुके हैं हम, अगर कोई काम दिख तो नहीं रहा है, विकास नहीं दिख रहा, विकास कहाँ दिख रहा है, कहाँ चला गया ये विकास? अब ये सांसद साहब ने समझने कहाँ चला गया। विकास जो चर्चा होती है जब आता है लोकसभा चुनाव, जब आता है विधानसभा चुनाव, तो विकास की चर्चा होने लगती है, जनता अब विकास खोजने लगती है, जनता उम्मीद कर कर के, जनता क्यों नहीं खोजती है? जनता तो उम्मीद करती है कि आज अब इनको हम देख ले, फिर उनको देख ले, और दूसरी बात लोग जीत जाते हैं, लोग सांसद बन जाते हैं, फिर वो लोग भूल जाते हैं, फिर जनता अपना सोचने लगती है कि भाई अब किसको हम चुने, तो वो सब व्यक्ति को दिखाई देगा तो लोग चुनेगा। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह ये तमाम जो लोग हैं, और साफ तौर पे अगर भोला जी की बात कर ले तो भोला जी की चाय की दुकान पर जिस तरह चुस्की लगाकर लोग चर्चा करते हैं, यहाँ आते हैं भोला जी, ये यहाँ लोगों से उनकी लोगों की बातें भी सुनते हैं कि आखिर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, लोग क्या बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को वो बखूबी जानते हैं कि हाँ लोग क्या कह रहे हैं। बहरहाल बात ये हो रही है कि चाय की चुस्की के साथ राजनीति कहाँ जा रही है, सिवान का सांसद हमारा कैसा हो, इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह का हमारा नेता होना चाहिए, और सिवान में जो विकास हुआ है और कितना विकास होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी जानेंगे। चाचा सिवान घर है आपका? चाय दो ठो बनाओ। सिवानी घर है? हाँ, सिवान है। अच्छा, ये बताइए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में हमारा नेता कैसा होना चाहिए? नेता का ये तो प्रश्न बहुत टेक्निकल चीज है, है ना। नेता तो बहुत लोग बने है ना, अब बनने वाले भी हैं, लेकिन सिवान की धरती पर कोई काम करने वाला नहीं है, जो बन रहा है वो अपने पॉकेट भर रहा है। हम लोगों ने देखा कितने एमपी हुए, कितने गए, साहबुद्दीन साहब जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कुछ उनमें खामियां थी तो बहुत से उनकी बारीकी भी थी। आज जो है सब भ्रष्ट है, वो अपने लिए बन रहा है। नेता कोई ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ईमानदार को उन्होंने चुनाव जीतेगा और न समझिए काम करेगा, हमारा स्टेटमेंट यही है। कुछ भी नहीं है, विकास तो हम देख रहे हैं, विकास हो रहा है, उसकी क्वालिटी पर आप ध्यान दिए हैं? नाला बन रहा है, एक तरफ बन रहा है, दूसरे तरफ टूट रहा है, ये विकास का नाम है? यानी लूट खसोट मचा हुआ है। वही ना, हमने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, जिसको जितना लूटना है लूट लो, छूट है पूरा, समझ गए? हाँ, काम हो रहा है, अभी नाला देखिए जाके बन रहा है,
तनि पैर धरिए ले जा करके देखिए साला दो टुकड़ा नगर परिषद का क्षेत्र का तो किसका काम है ये नगर परिषद हाँ काम नहीं है एमपी में लोगो नहीं नहीं मेरा कैसा होना चाहिए हमने तो कहिए दिया ईमानदार होना चाहिए सांसद हो या सांसद बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए जो क्षेत्र में काम होता है अब नगर परिषद काम है उसका आकलन कौन करेगा सांसद विधायक न करेगा जिला परिषद चेयरमैन करेंगे कहना टूट रहा है कहाँ बन रहा है सबको उनको देखना है सांसद को देखना है विधायक को देखना है जिसके क्षेत्र में पड़ता है सांसद विधायक एमपी एमएलए चाहे नगर परिषद के चेयरमैन सबको ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए हाँ पूरा मगर जान दिया ईमानदार आदमी जीत नहीं पाएगा बढ़ नहीं पाएगा यही तो खेत की बात है देखा आपने सुना कि देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्ग जो बोलते हैं वो उनका आकलन काफी लंबा दूरी तक होता है जिस तरह ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए क्योंकि शहर में जो काम हो रहा है उस शहर की चर्चा भी कर रहे हैं शहर में जिस तरह नाला बन रहा है एक तरफ बनता है दूसरे तरफ टूट रहा है और इसको देखने वाला कौन होगा देखने के लिए सांसद विधायक ही देखेंगे तो हमारा नेता वैसा होना चाहिए कि जो क्षेत्र का विकास कर सके क्षेत्र में जिस तरह स्वास्थ्य सड़क शिक्षा इन सभी बिंदुओं पर उन्हें खासा ध्यान रखना होगा और हमारा वैसा सांसद होना चाहिए और इस तरह का विकास करें ताकि उसकी गाथा एक लिखी जा सके हम कार्यक्रम को यहीं देते हैं विदा फिर किसी दिन दूसरे कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त नमस्कार।